व्हाट्सअप गाइस भाई, आज ना एबी क्रिक इन्फो भाई ने लिख दिया है, आई स्टैंड विद हार्दिक पांड्या, आज हार्दिक को कुछ मत बोलो। बट भाई SRS वर्सेस MI का मैच है, तो उसके ऊपर क्यों भाई ने ऐसा लिखा है टाइटल में, तो देखते हैं क्या कुछ बात हुई है इनकी। करते हैं साथ में एंजॉय भाई, कल की लाइव भी बढ़िया थी, करते हैं एंजॉय। 1 2 3 गो। खबरदार अगर मेरे हार्दू को आज किसी ने कुछ कहा तो मेरा 33 नंबर जर्सी, 108 महाराज पांड्या पुत्र उस्ताद हार्दिक पांड्या जी। वैसे हार्दिक जी के पहले मैच में क्या लग गए थे? लवणे न भोजन जो बीच बजरिया तूने रोहित की पकड़ी भैया, वो सबको डांट देगा। जब रात माँ कोई ना जागे अयो पांड्या, हम सोफा बिछा देंगे। पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद और श्री श्री हार्दिक पांड्या जी की मुंबई इंडियंस, क्या होम टीम फिर से एक बार जीत जाएगी? अगर ये रिकॉर्ड भाई साहब आज भी कायम रहा, मेरा दिल बैठ जाएगा, क्योंकि अगर हैदराबाद आज फिर जीत गई, फिर तो मुझे बहुत ही चिंता हो जाएगी भाई, ये रिकॉर्ड तो फिर होम टीम वाला हम पंजाब वालों को ही तोड़ना पड़ेगा। देखो ये तो फिर जिम्मेदारी बन जाएगी हमारी। क्यों? देख इसको कैसे मुंह खोल के खड़ा है ये हार्दिक पांड्या को जलील होते हुए देखना चाहता है भाई। देख लो इसकी आंखों का साइज, देख लो मेरे से भी ज्यादा बड़ा हो रहा है भाई। सुनो ध्यान से, मजाक की बातें सारी अलग हैं, आज मैं श्री हार्दिक पांड्या जी के कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ, लेकिन हारेगा फिर भी मुंबई इंडियंस ही। अब तुम कहोगे भैया ये कौन सा फुद्दू सपोर्ट हुआ फिर? भाई देखो, हम जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं उसका सत्यानाश होना तय। अगर तुम लोगों को भी कभी जिंदगी में कंधा चाहिए हो, नहीं वो वाला कंधा नहीं, वैसे कंधे से कंधा मिलाने वाला, तो मैं दे दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हार्दिक पांड्या का वैसे पहले मैच में ना नेक्स्ट लेवल का जुलूस निकला है भाई, जितनी बेइज्जती हो सकती थी उतनी बेइज्जती उसकी करी है वहाँ क्राउड ने, और सोशल मीडिया ने तो हद ही कर दी है। लेकिन ये मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट को नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, उनको तो ये था इनका तो पता ही नहीं लगेगा, हम तो रोहित शर्मा के साथ जो मर्जी कर लें, ये गजनी है सारे के सारे, है ना? और तुम बादाम खाते हो, हम सारे गजनी है। लेकिन भाई एक बात मैं बताऊं आपको, रोहित शर्मा के फैंस कह रहे हैं Once more, ये हर जगह पे तैयार हो रखे हैं भाई, लेकिन बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे हैं यार रहन दो यार, बस करो यार, फट गई है उसकी, जाने दो। इज्जत है थोड़ी है? मतलब सवाल है भाई लोगों, जो तुम्हारे दिमाग में भी होंगे, मेरे दिमाग में भी हैं, और रोहित शर्मा के फैंस के दिमाग में तो बिल्कुल हैं। और मजे की बात बताऊं, हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट में भी यही सवाल है कि आज हमारा होगा क्या, या तो तुम मैच जीत जाओ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सब ठीक लगेगा, लेकिन अगर मुंबई इंडियंस मैच हार गया और अगर ये होम टीम जीतने वाला रिकॉर्ड आज भी कायम रहा, और अगर हार्दिक पांड्या ने, मैं तो खैर ये कह रहा हूं, अगर हार्दिक पांड्या मैच हार भी जाएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैच कोई भी हार सकता है, हालांकि उसके पास एक ऐसी टीम है जो टाइटल भी जीत सकती है, मैच तो टीम बहुत अच्छी है, टीम बहुत अच्छी है। मैं ये कह रहा हूं अगर वो मैच हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसने ये वाली छिछोरी हरकतें फिर दोबारा करी रोहित शर्मा के साथ, तो मैं आप लोगों को बता दूं, रोहित शर्मा के फैंस वानखेड़े में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हैदराबाद में भी नेक्स्ट लेवल की गिनती होगी। आपको शायद याद होगा रोहित शर्मा हैदराबाद से ही खेलना स्टार्ट किया था भाई IPL, तो उसको वहां पे और ज्यादा प्यार मिलेगा। लेकिन हार्दिक पांड्या का घमंड पहले मैच में किस तरीके से टूटा है ना, वो बहुत अनिवार्य था। कुछ लोगों ने कहा भैया नहीं, नेक्स्ट लेवल की ट्रोलिंग हो गई, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हो गया, वहां पे अहमदाबाद में लोगों ने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। नहीं भाई, बिल्कुल सही किया है, इसका ये घमंड चकनाचूर होना जरूरी था, हार के साथ घमंड चकनाचूर हुआ ये और अच्छी बात है। ये बंदा अपने आप को महेंद्र सिंह धोनी से नीचे समझ ही नहीं रहा भाई। आप बता दो यार, ये कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज डलवाता है कि मैं एज कैप्टन आऊंगा, मैं अपनी बात एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, क्या चला जाता ये कह देता, इज्जत तुम्हारी 100 गुना बढ़ जाती यार, कि मैं इस साल रोहित की कप्तानी में खेल लूंगा, बड़ा भाई है, 5 बार का चैंपियन है, और अगली बार से तुम्हें पता ही है तुम लोगों ने मुंबई इंडियंस वालों को रिलीज कर ही देना है रोहित को, और रिलीज करो ना करो चला जाएगा, इस बार तो वो कॉन्ट्रैक्ट की मजबूरी में नहीं जा पाया, ऐसी खबरें आई थी, तो भाई तुम्हारी इज्जत तो बढ़ जाती। लेकिन तुम तो बाऊजी बन के गुजरात से आए और तुमको लगा मैं तो महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा कप्तान हूँ, मैं तो एज कैप्टन ही आऊंगा, मैं वैसे नहीं आऊंगा। तो रोहित शर्मा इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने के चक्करों में लगा रहा और तुम पीछे से अपना जुगाड़ तुगाड़ बिठाते रहे, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा हुआ मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन भाई अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, यहां से मैं जो बोलने वाला हूँ
इस पे मुझे तुम लोगों के कमेंट चाहिए। हार्दिक पांडे के साथ पहले मैच में जो हुआ वो होना ही चाहिए था, इसका घमंड टूटना ही चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में लोगों को थोड़ी ढील दे देनी चाहिए। या तो इसको सबक मिल गया होगा, और अगर सबक अभी भी नहीं मिला होगा तो भैया फिर लोग नहीं छोड़ेंगे, लोग तुमको 14 के 14 मैचों में तुम्हें ट्रोल करेंगे। हार्दिक हारे या जीते इससे फर्क नहीं पड़ता, जो स्क्रीन पे दिखेगा वो आके हम लोग लाइव में बात करेंगे। लेकिन अगर इसने ये वाली छिछोरी हरकतें करी, वो चीज अजीब लगी, बिल्कुल खत्म होने के बाद गले पड़ता है यार खाम का, रोहित शर्मा तेरे को वहां पे भी डांट देता है। जो दिल से इज्जत करता है ना उसकी दिख जाती है कि ये इज्जत कर रहा है। और भाई पहले मैच में ना तुम डर गए थे राशिद से, राशिद से याद आया वो देखो, कल महेंद्र सिंह धोनी का लड़का रिद्वी, ओ भाई साहब, पहली बॉल पे आके छक्का मारता है राशिद को, और फिर दोबारा एक छक्का मारता है, और एक ऑडियो वायरल हो रही है उसके फैमिली की, रिद्वी की, वो पता क्या कह रहे हैं कि ये कह के गया था पहली बॉल पे छक्का मारूंगा, ये होती है दिलेरी। अरे तुम काहे के दिलेर कप्तान यार, ये नहीं पता ठीक है, तुम जीत गए गुजरात टाइटंस में, अरे तुम उनके भी नहीं हो पाए, और तुम ना मुंबई के रह पाए, और तुम दोबारा मुंबई में आ गए हो, मुंबई वाले तुम्हें मानने को तैयार नहीं है, और तुम कह रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, था ना गुजरात पहला आदमी है भाई जिसको घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो भाई लोगों मुझे लगता है श्री श्री 108 महाराज हार्दिक पांड्या जी में फर्क पड़ गया होगा, आराम आया होगा। क्यों आराम आया होगा? क्योंकि पहले मैच में खुराक ठीक ठाक तरीके से दी है लोगों ने। रोहित शर्मा के फैंस ने बता दिया तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए जिधर भी तू जाएगा, सोनिए नहीं ये सोना है सोना, हाँ ये है मुंबई इंडियंस का गहना। अब देखते हैं भाई आज के मैच में क्या होगा। देखो अभी मैं फिर बता देता हूँ, मैं श्री श्री हार्दिक पांड्या जी के साथ हूँ कंधे से कंधा मिला के, लेकिन जीतेगा तो सनराइजर्स हैदराबाद। हाँ नहीं, मेरी प्रेडिक्शन है सनराइजर्स हैदराबाद जीतेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तगड़ी टीम है, लेकिन रोहित शर्मा का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाए, बुमराह की एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आ जाए। लेकिन यार बुमराह भाई आप रहने देना यार आज, हाँ आप तो यार कतई यार जितवा ही देखो यार मुंबई इंडियंस को, वो देखो सूर्य कुमार यादव भैया, मतलब उस आदमी की रिस्पेक्ट डे बाय डे बढ़ती जा रही है, वो ना खेल के भी जबरदस्त पारियां खेल रहा है। हाँ उसको एनसीए क्लियरेंस ही नहीं दे रही है, एनसीए में भी मुझे लगता है कोई मेरे जैसा बैठा है जो मजे ले रहा है इनके। भाई लोगों मैं ये चाहता हूँ आज हार्दिक पांड्या को बू ना किया जाए, गंदे गंदे पोस्टर उसके ना बनाए जाए, और दूसरी चीज सोशल मीडिया पे छपरी ट्रेंड ना किया जाए। अगर वो फिर से इसी तरीके की तमाम हरकतें करता है और इसी तरीके से अपने आप को चमकाने की, या वो जो होता है ना लाइमलाइट, काम का गले पड़ना और ये वो, फिर लोग भाई लाइमलाइट हो, लोग नहीं हटते भाई, फिर मेरा तो सीधा सा मतलब है। तो भाई लोगों तुमको भी हटना नहीं है, वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से मीटर खींच के रखना है। अच्छा टीम में क्या चेंजेस होगा? टीम में तो कोई चेंजेस मुझे लग नहीं रहे हैं, दोनों टीमें अच्छा खेली है भाई, अच्छा कर रही है। नहीं मतलब मुंबई इंडियंस भी बहुत अच्छा खेली है ना, देखो जीता हुआ मैच हारना ये कोई छोटी बात तो नहीं होती भैया। श्री हार्दिक पांड्या जी कप्तान की एक गलती के कारण आप मैच में लिपट गए हो, तो अभी मुझे तो लगता है हार से उठ कर आ रही हैं, चेंज सिर्फ ये करना है, बाकी सब सेट है। और दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद भी भाई बहुत ही तगड़ी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, अब देखते हैं आज क्या बनेगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मीटर खींच के रखो, मीटर खींच के रखना भैया, भाई मीटर खींच के रखना। और एबी भाई की तो वीडियोस के भैया आई एम श्योर जो भी रिएक्शन देख रहा होगा सब फैन ही होंगे, तो भाई इनकी लाइव पे तो मैंने बोला था कि मैंने भाई की जर्नी देखी है, मैंने एबी क्रिकेट इन्फो चैनल की जर्नी देखी है, 1,00,000 फॉलोअर्स से किस तरीके से भाई ने ग्रो करा है, और डे इन डे आउट दो दो घंटे ढाई ढाई घंटे लाइव स्ट्रीम पे लोगों से बात करना, क्योंकि लाइव देखो 8-10 मिनट की वीडियो में 100% देना और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाना नो डाउट बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन दो दो तीन तीन घंटे लाइव को इंटरेस्टिंग बनाना भाई के, मैंने ऐसे देखा वो शकल भी लाल हो जाती है, लेकिन उसको एंटरटेनमेंट से भर के रखना, मस्ती करना, लोगों के साथ वो एंजॉय करना, वो एक माहौल ही अलग है। और फिर लोगों ने बोला कि जो वो वाला था एक तो कि छपरी जो भाई छपरी वर्ल्ड नहीं अच्छा वो नेशनल क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करता है, वो भी इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर, ट्रोलिंग मीम्स अलग होती है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे सही नहीं लगे। ये है इसकी मुंबई की ना 90% जो फैन फॉलोइंग है वो रोहित शर्मा की, जैसे चेन्नई का अगर बोलोगे ना 99% मुझे ऐसा लगता है नहीं वहाँ के लोग तो करते होंगे, हाँ, लेकिन जो आउट ऑफ सिटी जो करते होंगे हमारे लिए चेन्नई को स्टेट जो करते हैं, चेन्नई को वो करते हैं वो इसीलिए क्योंकि मेन फैक्टर आरसीबी के लिए जैसे कोहली हो गया। और दोनों टीमों का सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों टीमें हार के उठ के आ रही, जो कि दोनों के हाथों में मैच आ चुका था, वहां से वो हार गए थे, तो बहुत ही मतलब जिद्दोजहद वाला मैच होगा जिसके अंदर दोनों टीमें अपनी पहली जीत रजिस्टर करना चाहेंगी। और पलड़ा यहाँ पर रिसर्च के इसलिए भाई क्योंकि अब तक वो देखा गया होम टीम बढ़िया करती आ रही है, लेकिन कांटे की टक्कर होगी ये चीज तो है। हाँ। और भाई आज देखते हैं आज क्या कुछ होता है मैच में, मुझे फिर भी ये लगता है कि
मुंबई जीत सकती है भाई, को एसआरएच लग रही है, मुझे कहीं ना कहीं मुंबई लग रही है बस। लेकिन एज अ क्रिकेट फैन मैं यही कहूंगा कि मैच इंटरेस्टिंग हो। चेन्नई नहीं, कि चेन्नई ने तो एक तरफा ही लपेट दिया कल जीटी को भैया, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया। भाई की वीडियोस में वो कहता है ना, वो जान झोंक देना एंटरटेनमेंट के लिए, वो दिखता है हमेशा से ही। और मेरे को सबसे मस्त लगता है जो एक अंदाज लेके और जो आंखें मोटी करके और ऐसे हल्की सी मुंडी से नीचे करके जो भाई रोस्ट करते हैं ना, मजा आता है। बाकी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भाई की क्लिप्स कितनी वायरल होती हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।